सभी में अच्छा काम किया था। कप्तानी बहुत ही बढ़िया है मनन की। इस बार सीधा शॉट लेकिन फॉलो थ्रू में हाथों के ऊपर गेंद लगी है। कैच का प्रयास किया जरूर जरूर वहां पे प्रयास किया कैच का, एक अच्छा एफर्ट वहां पे लगा और अभी भी स्कोर 11 रन रुका हुआ है। नेल्सन स्कोर ऑन स्कोर कार्ड 11 for 1, 11 के ऊपर एक विकेट। अक्रॉस द लाइन क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास था लेकिन पैरों के ऊपर जाके गेंद टकराई। थ्रू द लाइन खेलने वाली शॉट को वहां पे अक्रॉस द लाइन खेलने गए लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। सवाल जरूर पूछा गया था अंपायर को लेग बी फोर विकेट का लेकिन वहां पे नकारा, सीधे वहां पे स्ट्रेट अवे डिसमिस उस अपील को किया गया। और दो ओवर के बाद 12 रन एक विकेट के नुकसान पे सिंधिया सुपर किंग। और इनाम यहाँ पे अगर देखा जाए प्रशांत भाई के लिए मौजूद है, प्रशांत पटेल पडारिया से, वैसे घरेलू ग्राम्य क्रिकेट खेलते हैं। एक सिक्सर के ऊपर 1100, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 5100 और 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर लगाने के ऊपर 11000 उनकी जो वाइफ रिया बेन यूके उनके द्वारा इनाम घोषित किया गया है। अब पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 95 रन चाहिए, 95 रन चाहिए 36 गेंदों में, 36 गेंदों का खेल बचा है, 95 रन यहां पे जीतने के लिए जरूरी है। ये आर और पार की लड़ाई है, सामने लीलापुर के लायंस है और उसके सामने सिंधई के सुपर किंग। पर्पल वर्सेस येलो की ये लड़ाई बहुत ही बढ़िया ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीमें, मजबूत दावेदार दोनों, और दावेदारी जिस प्रकार से उन्होंने यहां पे प्रस्तुत की है वो काबिले तारीफ है। ऑफसाइड की दिशा में कट करना चाहते थे लेकिन गेंद गई है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर वहां पे तैनात है, वैसे खेलने का प्रयास था कि स्वीपर कवर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर लेकिन अब पड़ने के बाद गेंद थोड़ी उठी और जल्दी आ गई बल्ले के ऊपर, इसकी वजह से वो सीधे खेलना पड़ा मिड ऑफ की दिशा में। एक रन वहां पे, एक रन की सहायता से 13 रन अब आपको स्कोर कार्ड में नजर आएगा। स्कोर गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर सिवाय है। छोटी पटकी हुई गेंद थी प्रशांत के बल्ले से, ये मैक्सिमम आया है, बेहतरीन शॉट। हर सिक्सर के ऊपर 1100 रुपये उनकी वाइफ रिया बेन यूके की ओर से दिए जाएंगे। प्रशांत का बल्ला बोला है, ये बल्ला यहाँ पे बोलना जरूरी है क्योंकि प्रशांत एक उम्मीद है सिंधई सुपर किंग के लिए। तुमने जो करना था। शिव के लिए इनाम है जिगर और किशन यूके यूएसए गोरगाम, 1000 रुपये हर विकेट के ऊपर शिव के लिए इनाम जारी है। शिव के लिए किशन और जिगर यूएसए गोरगाम, लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन सिक्सर जड़ा। कड़क है, बेहतर है, स्टैंड एंड डिलीवर है, फील्डर को वहां पे दर्शक बनाने वाला ये मैक्सिमम है। प्रयास किया जरूर वहां पे लेकिन वो प्रयास मात्र देखने लायक हो गया क्योंकि ताकत थी, एलिवेशन था, वो दूरी थी, वो ऊंचाई थी, सब कुछ सही था 6 रन देने के लिए। दो गेंदों के बल लगातार दो मैक्सिमम, मतलब माधव अशोक भाई पटेल यूएसए चिखली बोदलाई बैक टू बैक सिक्सर के ऊपर 1000 रुपये है। क्या तीसरा भी जाएगा? तीन गेंदों के ऊपर लगातार तीन मैक्सिमम, ये प्रशांत का बल्ला है। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे सेमीफाइनल से पहले लेकिन वहां से जो इन्होंने लय पकड़ी है ना वो अब ये गाड़ी रुकेगी नहीं बिल्कुल। जो एक्सप्रेस चल रही थी सुपर फास्ट मोड में चल चुकी है, उनकी वाइफ है ना रिया बेन यूके, उनके द्वारा हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 5100, माधव अशोक भाई पटेल यूएसए चिखली बोदलाई हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 2000। ये प्रशांत की बल्ले बल्ले, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है भाई। फॉर्म में कहां पे आना है, कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना है ना, ये प्रशांत के पास सीखिए। मिला मंच और मार दिया पंच। चार गेंदों के ऊपर चार सिक्सर, कैन यू बिलीव दिस,
ये फाइनल का मुकाबला है, सामने सिंधई के सुपर किंग है, शिव आए, शिव के ऊपर यहाँ पे धाबा बोला है, शिव के सामने काउंटर अटैक शुरू किया है। देव पटेल गेंदबाजी के ऊपर है, विकेट लेस रहे हैं आज अभी तक, जो 8 गेंदें डाली है उसमें 9 नंबर हर्षल गिब्स वाला टी शर्ट। ऑफ साइड के बाहर, वाइड की अपेक्षा कर रहे थे और वाइड मिला है, वन बाउंस का भी इशारा किया गया है स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से। हितेश पटेल फ्रंट अंपायर के तौर पर, स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पर प्रियांक पटेल हमारे साथ, थर्ड अंपायर में अजय परमार, पंथिल पटेल क्रिकेटर्स के ऑनलाइन स्कोरर के रूप में हमारे साथ, कमेंट्री बॉक्स में राज चौहान सर और मिस्टर निषाद कोरा सर। कट करने का प्रयास, ऑफ साइड की गेंद थी, तेज गति से स्कीड होके निकल गई। और हमें इस ग्राउंड की भी तारीफ करना जरूर चाहूंगा, ये जो विकेट यहाँ पे जो इसका चयन किया गया ना, पांचों दिनों तक मजा आ गया सब मुकाबले में, जो विकेट जो खेला है ना, इसकी तारीफ पिच क्यूरेटर की करनी पड़ेगी, जो उन्होंने काम किया है ना, बेहतरीन काम है।
किनारा लगा, एज लगा, वहां पे हाफ वाली गेंद थी और ड्राइव खेलना चाहते थे खड़े खड़े, आउटसाइड एज लगा, विकेट कीपर ने एक छोटी सी भी गलती नहीं की और यहाँ पे एक मैक्सिमम लगाया, उम्मीदें जगाई, लेकिन उम्मीदों के ऊपर यहाँ पे देव ने पानी फेर दिया 45 रनों के ऊपर। यहाँ पे अब एक और तीसरा विकेट गिरता हुआ, वापिस जाना पड़ेगा अब बल्लेबाज को डग आउट में। 45 रन, 3 विकेट, सिंहदई सुपर किंग। वाइड की वहां पे प्रोड्यूस की थी और बेहतरीन तरीके से बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। और 45, 45 रन अभी भी स्कोर रुका हुआ है स्कोर कार्ड में। यह भी अच्छी गेंद दी अवे फॉर द राइट हैंड बैट्समैन, पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली और कांटा बदला, उसमें बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरीके से। और अब चार ओवर की समाप्ति के बाद 45-45 रन सिंहदई के सुपर किंग्स। अब 62 रन चाहिए जीतने के लिए, 24 गेंदों का खेल बचा है और यहाँ से करंट रन रेट, जो मौजूदा रन रेट चल रहा है ना, वो 11 से भी ज़्यादा का है, लेकिन रिक्वायर रन रेट 15.5 का है, तो वो थोड़ा एक परेशानी का मामला है। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ से वो कहानी कैसे बनेगी, चार ओवर जो आने वाली होगी उसमें 62 रन चाहिए, वो किस प्रकार से मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे, कौन बल्लेबाज यहाँ पे कुछ कमाल करेगा या फिर गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन होगा, ये सब सवालों के जवाब वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे साथी सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर निषाद कोरा सर। स्वागत है सर कमेंट्री बॉक्स में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आचार्य। तो यस, दैट रियली टेल्स द स्टोरी। 4 ओवर्स 45 फॉर 3, अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि 24 गेंदों में 62 रन बनाने होंगे। चुनौती भरा लक्ष्य, लेकिन नामुमकिन नहीं कहूँगा। ये छोटा सा ग्राउंड है और सिंहदई सुपर किंग्स एक चैंपियन टीम है, इस तरह की स्थिति में से कई मर्तबा गुजर चुकी है, तो भलीभांति जानते हैं कि किस तरह से इस नाजुक मोड़ पर किस तरह का क्रिकेट खेल कर एक वापसी दर्ज करानी है, ये भली भांति जानते हैं सिंहदई सुपर किंग्स। बल्लेबाजी करते हुए दो अनुभवी दिग्गज बल्लेबाज आशीष और हेमंत पटेल, 24 बॉल्स एंड 62 रन्स टू विन द मैच। चले गेंदबाजी का भार संभाले हुए विकेंड और स्ट्राइक पर है हेमंत पटेल, जिन्होंने आशीष पटेल, दो सीनियर क्रिकेटर्स, लेजेंड्स ऑफ द गेम, बहुत ज्यादा अनुभव है दोनों ही बल्लेबाजों के पास। टीम के आधार स्तंभ फ्लैट बैट के साथ खेला है वाइडिश मिडॉन के क्षेत्र में, केवल एक ही रन से समाधान प्राप्त करेंगे, शिकंजा कसती हुई यहां पर टीम लीलापुर लायंस।
प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित करना होगा। सिंधई सुपर किंग्स ने तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर एक कोशिश करनी होगी कि जीत के दरवाजे तक जाए ये टीम। ये कैच हो सकता था, थोड़ी सी गेंद आगे गिरी। युवा प्रतिभाशाली विकेन पटेल गेंदबाजी करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लीलापुर लायंस डिफेंड करती हुई अपने लक्ष्य को। करारा शॉट गैप में खेला है लेकिन वहां पर फील्डर ने काफी अच्छा ग्राउंड कवर किया। अच्छा पिकअप एंड थ्रो, केवल एक ही रन प्राप्त होगा। एक नव चेतना के साथ इस लक्ष्य को डिफेंड करती हुई लीलापुर लायंस। दे आर रियली बोलिंग एंड फील्डिंग आउट ऑफ द स्किन्स हियर। व्हाट अ ब्लेजिंग परफॉर्मेंस, इंडीड चैंपियन स्टफ हियर। A man at extra cover in that single saving position. मामला संगीन होता हुआ सिंधई सुपर किंग्स के लिए। लो फुल टॉस गेंद थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। रन संख्या थमी हुई 49 रनों पर, 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस 19 गेंद और 58 रनों की दरकार। चले ये लूज गेंद को सही अंजाम तक पहुंचाया है आशीष ने उस बाहुबली छक्के के साथ। रन संख्या अब 55 रनों तक जा पहुंची है। 55 एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स, यानी कि अब 18 गेंदों में 52 रनों की जरूरत। 18 बॉल्स एंड 52 रन्स टू विन द मैच। चुनौती भरा लेकिन नामुमकिन नहीं कहूंगा। अब भी एक आशा की किरण अब भी मौजूद है इस उम्मीद की चिंगारी को बिल्कुल ज्वालामुखी में परिवर्तित करना होगा। अपनी काबिलियत में विश्वास जताना होगा, खुलकर खेलना होगा, आक्रामक रवैया इख्तियार करना होगा, करीबन हर गेंद पर प्रहार करना होगा। बस एकमात्र यही विकल्प है। 18 बॉल्स एंड 52 रन्स टू विन द मैच। बड़ी तेज रफ्तार से गेंद अंदर की तरफ आई, क्रैम्पिंग द बैट्समैन फॉर रूम, नॉट गिविंग हिम द रूम टू फ्री हिज आर्म्स। थोड़ा सा ड्यू फैक्टर अब यहां पर थोड़ा सा काम करता हुआ। स्ट्राइक पर अब आशीष, थोड़ी सी ऑकवर्ड एक्शन। इस गेंदबाज को पढ़ना इतना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी करते हुए स्वयं कप्तान मनन, थोड़ी सी ऑड एक्शन है लेकिन काफी इफेक्टिव। ही हैज बीन वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स, द कैप्टन ऑफ द टीम फॉर लीलापुर लायंस। हैज लेड द टीम फ्रॉम द फ्रंट। कलाई के सहारे मोड़ दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक केवल सिंगल्स और डबल्स मुकम्मल होंगे तब तक फील्डिंग टीम के कप्तान को कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों बल्लेबाज को बिल्कुल टॉप गियर में खेलना होगा। दे हैव टू पुट द फुट ऑन द एंटीरियर। इट्स टाइम टू प्ले द बिग शॉट्स। वेरी वेल बॉल एंड व्हाट अ टेरिफिक कैच। It's really plucked that catch out of thin air. ये catches लिए नहीं जाते, ये catches चिटकते हैं। What a catch, what an effort to see the back of Ashish back in the hut. जबरदस्त
परफॉर्मेंस देती हुई यहाँ पर लीलापुर लायंस बड़ी तेज रफ्तार से जीत की कगार तक जाती हुई लीलापुर लायंस मैच में काफी हद तक पलड़ा भारी है। चैंपियन टीम वही होगी जो विपरीत परिस्थिति को मात देकर अपनी टीम को जीत के दरवाजे तक ले जाएगी। When the going gets tough, the tough get going. बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़े मंच पर हर किस्म की चुनौती का सामना करते हुए अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में ले जाता है। अच्छी गेंद थी इस बार मनन पटेल खेलना चाहते थे हमन लेकिन स्क्वायर के हिसाब से गेंद गई वहां से रन मिलेगा सिंगल। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन चार विकेट के नुकसान के बाद यहां 6 ओवर समाप्त हुए 60 रन बने चार विकेट के नुकसान के बाद ये मेगा फाइनल मुकाबला सिंधे सुपर किंग्स वर्सेस लीलापुर लायंस के बीच में खेला जा रहा है जिसमें 12 गेंदों के ऊपर अब 47 रन चाहिए 12 बॉल में 47 रन जो ये मैच जीतवा माटे। अब यहां से मयूर पटेल और हेमंत पटेल सिंधे सुपर किंग की ओर से विकेट के ऊपर मौजूद है। अगर हेमंत की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में काफी सारे सेकंड हाईएस्ट नंबर के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता कभी भी बाजी बदल सकती है। अब स्ट्राइक के ऊपर लीजेंडरी क्रिकेटर हेमंत पटेल 2 हाफ सेंचुरी भी बने हैं उसके बल्ले से इस टूर्नामेंट में। अब गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार बहुत अच्छी गेंद थी इस बार गुड लेंथ टप्पे के ऊपर टप्पा खाई और सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद कोई रन नहीं क्वेश्चन नहीं सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ यहां से विकेंद पटेल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर परमवीर बोडलाई एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर सामने खेला हेमंत पटेल ने इस बार स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर यूज एन आई मैक्सिमम इसे कहते हैं हेमंत पटेल। अब 6 के साथ 66 रन चार विकेट के नुकसान के बाद बहुत ही अहम यहां गाना भी बजाया था डीजे वाले ने। हेमंत की बात की जाए तो 11 रन के ऊपर पहुंच चुका है उसका निजी 10 गेंदों के ऊपर 41 रन और वीकेंड ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर थी। अब एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा वाइड के रूप में। अब 67 लॉस ऑफ द 4 विकेट 7th ओवर इन प्रोग्रेस अभी भी यहां से 40 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर हेमंत पटेल गेंदबाजी के ऊपर विकेंड इस बार पुल किया है मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी इंटरेस्टेड है और वहां से प्रेक्षक खुश तो मतलब गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए क्योंकि वो जो खेमा है सिंधे सुपर किंग्स का है तो वो गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर हेमंत के बल्ले से एक और सिक्सर अब 6 के साथ 73 रन हो चुके हैं। यहां से 9 गेंदों के ऊपर 34 रन विकेंद पटेल इस बार बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाई यहां रन नहीं लेना चाहते हेमंत सिंगल के लिए नकारा है नॉन स्ट्राइक गेंद के बल्लेबाज मयूर को। अब विकेंद वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां या परमवीर बोडला एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर जिस प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा शबनम आ चुका है ग्राउंड के ऊपर। अब 73 अभी भी 4 विकेट के नुकसान के बाद 9 गेंद 34 रन लीलापुर लायंस की ओर से विकेंद पटेल 8 गेंद सामने खेला इस बार यहां पीछे खिलाड़ी है कवर की दिशा में दूसरे के लिए पलटवार किया विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो किया जाएगा और यहां अंडर आर्म थ्रो करने के बाद विकेट कीपर ने यहां
आउट करने का प्रयास जरूर किया था। मनन पटेल जो टीम के कप्तान है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को गेदर किया और आउट करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 2 रन मुकम्मल हो चुके थे। अब 75 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 7 गेंदों के ऊपर 32 रन, 7 गेंद 32 रन, मेगा फाइनल, रोमांच बढ़ता हुआ इस मुकाबले में, हाई कॉन्टेक्स्ट मुकाबला हो चुका है। वीकेंड तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, परमवीर बोडलाई एंड की ओर से फुल टॉस गैर, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर पीछे खिलाड़ी, लेकिन ओवर द लॉन्ग ऑन, यूज एंड हाई, मैक्सिमम सिक्सर। अब 6 के साथ 81 रन, लॉस ऑफ द 4 विकेट, 7th ओवर कंप्लीट। अब आने वाली यहां से 6 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए, 6 गेंदों के ऊपर 26 रन। पिछले ओवर में देखा जाए तो हेमंत पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 21 रन बटोरे, जिसमें 3 सिक्सर शामिल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। हेमंत पटेल जिसके लिए जाने जाते हैं वही काम करता हुआ। हेमंत पटेल एक लीजेंड क्रिकेटर है, उसके लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, उस प्रकार से बल्लेबाजी करता हुआ हेमंत पटेल। यदि अगर आपने बात की है लेजेंडरी क्रिकेटर है, तो वो कहते हैं ना ये लेजेंडरी क्रिकेटर, कि उनके लिए वो एक बात होती है कि ना पैर मेरे थके हैं, ना हिम्मत मैंने हारी है, जज्बा है कुछ बनने का, जीत पाने का, तभी सफर मेरा जारी है। तो यही बात यहाँ पे करते हुए कि अभी भी यहाँ पे हमारा सफर जारी है। अब यहां से शिव को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। शिव अगर विकेट लेंगे तो यहां से जिगर और किशन की ओर से हजार हजार रुपया एक विकेट का, गोरगाम यूएसए, जिगर और किशन, शिव के लिए स्पेशल प्राइस है। शॉर्ट पिच गेंद थी इस बार, तीर से बल्ले से शॉट को खेला जरूर था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे खिलाड़ी जिन्होंने फील्ड किया तब तक एक रन पूरा किया। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन, हेमंत को स्ट्राइक के ऊपर लाने का काम किया है यहां पहली गेंद के ऊपर मयूर पटेल ने। अब हेमंत पटेल 14 गेंद 25 रन, 3 सिक्सर, 200 का स्ट्राइक रेट। अब स्ट्राइक के ऊपर हेमंत पटेल, 5 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए, 5 गेंद 25 रन। अब शिव गेंदबाजी के ऊपर, परमवीर बोडलाई एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, एम्बेगा फाइनल मुकाबला संजय फार्म क्रिकेट ग्राउंड। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, बल्ला जरूर चलाया था हेमंत पटेल ने, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए, देख रहा है कि टप्पा कहां गिरी थी गेंद, और सीधी विकेट कीपर मानव के हाथ, मनन के हाथों में, सही लेंथ और लाइन के साथ, नाइस कैरी टू द विकेट कीपिंग मनन पटेल। तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, मिड विकेट की दिशा में खेला है इस बार गैप में, हाँ, वन बाउंस गेंद चली गई 4 रन के लिए। इसे कहते हैं टेनिस क्रिकेट, इसे कहते हैं मेगा फाइनल, या मैच कभी भी रुख बदल सकता है, एक और चौका जुड़ेगा। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद, अभी भी यहां मौका है, 3 गेंदों के ऊपर 21 रन, 3 गेंद 21 रन, मैच को नजदीक जरूर लाने का काम किया। यहां हेमंत पटेल को गेंद लगी थी, थोड़े इंजर्ड हो गए थे, शायद प्रारंभ करने के लिए आए थे, तब से खेलते तो रिजल्ट कुछ और बन सकता था, लेकिन यहां से प्रोडक्शन फेल है। इस बार बहुत अच्छा हुक शॉट, गेंद चली गई स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए मैक्सिमम। अब 6 के साथ 92,
अभी भी यहां से एक गेंद के ऊपर 14 रन चाहिए। वापस फील्डिंग मार्क के ऊपर सब लोग, सबकी निगाह हेमंत के ऊपर, हेमंत 35 के ऊपर, शिव पटेल, परमवीर बोडलायन की ओर से, और गेंद हवा में, शिव खुद गए और आत्मनिर्भर कैच और जस्ट मनाया गेंद हवा में फेंकने के बाद। उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहां दम है, और हमें था भरोसा आगे आसमान भी कम है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन लीलापुर लायंस, यहां विक्ट्री जीत हासिल की है लीलापुर लायंस ने मेगा फाइनल मुकाबला। दोनों टीम से निवेदन है कि प्लीज जल्दी से विकेट के ऊपर प्लीज मत खड़े रहिए, विकेट के बाजू में आ जाइए। हमारे प्रेक्षक मित्र खिलाड़ी मित्रों से निवेदन है विकेट से बाजू में हट जाएंगे थोड़ा तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन यहां मेगा फाइनल देखने को मिला लीलापुर लायंस 11 और सिंधे सुपर किंग्स के बीच में। लीलापुर लायंस यहां फाइनल चैंपियन हो चुकी है। कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन लेके आपके पास उपस्थित होंगे। आशीष भाई सिंधई सुपर किंग के, और बहुत बहुत वेल डन कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे लीलापुर लायंस की टीम को जीतने के लिए। एक बेहतरीन प्रयास उन्होंने किया, 107 रनों की चुनौती रखी गई थी, फिर उसे डिफेंड किया और बहुत ही बढ़िया जीत यहाँ पे विक्ट्री हासिल की। चैंपियन के सामने अपना नाम लिखाया, लीलापुर लायंस। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिले नहीं कारवा बदलता है, जज्बारों को जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ये वक्त लीलापुर लायंस ने बदला है। आशीष भाई भूमि बहन जो आपकी बहन है उनकी ओर से जो इनाम रखा गया है वो आपको यहाँ पे देने के लिए उपस्थित हुए हैं। शिव भी आएंगे, आशीष भाई भी आएंगे। शिव को भी जो लीलापुर के जो गेंदबाज है किशन और जिगर यूएसए गोरगाम दोनों की ओर से 1,000 रुपये थे विकेट के ऊपर, तो यहां पे आएंगे प्लीज। और आशीष भाई भी आएंगे, तो यहां पे वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू लीलापुर लायंस। सभी यहां पे उपस्थित हो गए वीआईपी डेस्क के सामने। दोनों टीम यहां पे उपस्थित हो जाएगी, लीलापुर लायंस की उनकी पूरी टीम, टीम मैनेजर, टीम ऑनर, पूरा खेमा उनका, लीलापुर लायंस की पूरी टीम, पूरी बटालियन यहां पे आ जाएगी। लीलापुर लायंस की चैंपियन टीम है सम्मान के साथ। और यस यहां पे जो इनाम शिव के लिए रखा गया वो भी उपस्थित हो चुके हैं। आशीष भाई यहां पे आ चुके। आशीष भाई आपको विकेट के ऊपर आपकी बहन भूमि बहन उनकी ओर से इनाम रखा गया था, तो वो प्लीज कलेक्ट कर लीजिए। आशीष भाई हार्ड लक बट बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, बट रनर्स अप के रूप में सिंधई सुपर किंग। और दोनों टीम यहां पे पूरी टीम आएगी, सिंधई सुपर किंग और लीलापुर लायंस दोनों टीम यहां पे कमेंट्री बॉक्स के सामने उपस्थित हो जाएंगे। हमारे मुख्य मेहमान यहां पे उपस्थित हो चुके हैं, तो प्लीज आपको यहां पे उपस्थित होना है और शिव को इनाम देना है, वो भी दे दीजिए। शिव को दे दे जो विकेट उन्होंने निकाले थे, किशन और जिगर पटेल यूएसए गोरगाम, थैंक यू सो मच। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे सब यहां पे दोनों टीमें आ जाएगी जो फाइनल लिस्ट हुई थी, और कुछ ही देर में यहां से जैसे टीम इकट्ठा होगी पोस्ट मैच, और इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, फाइनल प्रेजेंटेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी टीम पहले यहां पे उपस्थित हो जाएगी।
लीलापो लायंस प्लीज, पूरी टीम, कप्तान, उनके ओनर, मैनेजर सब यहां पे आ जाएंगे ताकि फाइनल प्रेजेंटेशन यहां पे शुरू किया जाए। सिंधाई सुपर किंग यहां पे आ जाएगी और लीलापो लायंस चैंपियन टीम, लीलापो लायंस। दोनों टीम सामने आ जाएगी, लाइनअप कर लेगी दोनों टीम। यहां से चैंपियन लीलापो लायन और रनर्स अप सिंधे सुपर किंग्स दोनों आमने सामने खड़ी हो जाए। हमारे मुख्य मेहमान यहां उपस्थित हो चुके हैं तो हम फाइनल प्रेजेंटेशन करने के बाद तो यहां से फाइनल प्रेजेंटेशन तो यहां से फाइनल प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले तो चैंपियन टीम के लिए एक बहुत ही आनंद का शुभ संदेश है वो पहले बता देता हूं। जो लीलापो लायंस चैंपियन हुई है उसके ओनर महेंद्र भाई की ओर से 50,000 पूरी टीम को दिया जाएगा, पूरी स्क्वाड को 50,000 दिया जाएगा। वेल डन एंड महेंद्र भाई, आप बहुत ही दिलावर इंसान है, बहुत अच्छा साथ और सहकार दिया, तो आपकी ओर से बहुत बहुत आभार। तो यहां पे दोनों टीम आ चुकी है तो दोनों टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था दोनों टीम के लिए, एक बार ताली बजनी चाहिए यहां पे। और उंडाच ड्रीमलैंड या उंडाच पाटीदार युवा संगठन प्रेजेंट्स उंडाच ड्रीमलैंड पाटीदार क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 स्पॉन्सर बाय एटलांटा परमवीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया। तो सबसे पहले हम फाइनल प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे माधव अशोक भाई बोडलाई यूएसए चिखली की ओर से अशोक भाई भी यहां उपस्थित है। तो उन्होंने दिल खोल के पहले दिन से 2 सिक्सर के ऊपर 1000, 2 विकेट के ऊपर 1000, 3 सिक्सर के ऊपर 2000, 3 विकेट के ऊपर 2000 बहुत सारे पैसे बांटे हैं। तो अशोक भाई आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। तो फाइनल मैच में देवू पटेल लीलापौर की ओर से हैट्रिक सिक्सर लगाए थे तो देवू को 2000 रुपया अशोक भाई के हस्तक से दिया जाएगा। सबसे पहले देवू पटेल, तो देवू पटेल ने 3 सिक्सर लगाए थे उसको 2000 रुपया। उसके बाद प्रशांत सिंधई की ओर से प्रशांत ने 3 गेंद के ऊपर 3 सिक्सर लगाए थे उसको भी 2000 दिया जाएगा। प्रशांत पटेल, अब यहां से ये थे हमारे अशोक भाई का जो प्राइस था।
अब मैन ऑफ द मैच की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हर्ष पटेल को। हर्ष पटेल प्लीज आगे आएंगे और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देव पटेल के नाम है। देव पटेल बेहतरीन परफॉर्मेंस लीला बॉल लाइन्स। देव पटेल आपको प्लीज आगे आना है और मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है हर्ष पटेल के हस्तक से दी जाएगी। देव का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा तो देव के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। पूरी टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन, बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो ट्रॉफी देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा जय किशन भाई प्लीज आगे आएंगे और उसके हस्तक से बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी दी जाएगी। और एनी गेसिस यस मानव 254 रन 250 से 4 रन ज्यादा बनाए तो मानव पटेल 3 हाफ सेंचुरी सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। और ये रिकॉर्ड कमेंटर के रूप में मुझे भी बोलने के लिए काम आएगा, कहीं मानव कोई भी टूर्नामेंट में मुझे मिलेगा तो ये बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन मानव, आपको फिर से कमेंटर राजेश आचार्य और राज चौहान की ओर से शुभकामना और निषाद कोरा सर की ओर से भी। अब यहां से बेस्ट बॉलर का खिताब देने के लिए मैं इनवाइट कराऊंगा किशन भाई प्लीज आगे आएंगे और किशन भाई के हस्तक से बेस्ट बॉलर का जो ट्रॉफी है उसके नवाजा जाएगा। तो वंस अगेन देव पटेल 14 विकेट लिए जिन्होंने लीला पॉल लायंस की ओर से एक बेहतरीन गेंदबाजी की। और अब उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो टूर्नामेंट का सबसे अहम हिस्सा कहा जाता है, जिसकी बात की जाए फील्डिंग साइट, बॉलिंग साइट, बैटिंग साइट, तीनों साइट के ऊपर जिसका परफॉर्मेंस अव्वल नंबर का रहता है, ऐसे खिलाड़ी को मैं ट्रॉफी लेने के लिए इनवाइट करूं। उससे पहले दुष्यंत भाई प्लीज आप आगे आएंगे, आपके हस्तक से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की ट्रॉफी दी जाएगी। तो यहां से वंस अगेन देव पटेल लीला बॉल लायंस 33.42 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में नवाजा जा रहा है दुष्यंत पटेल के हस्तक से। जोरदार ताली बननी चाहिए। अब हम रनर्स अप और फाइनल की ट्रॉफी देने के लिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो आप सब लोगों से उसके लिए मैं जोरदार ताली, सीटी, आवाज जो भी कर सको वो मैं जरूर चाहूंगा। तो यहाँ नवसारी वलसाड़ जिला लेउआ पाटीदार समाज का जो एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और उंडाज पाटीदार युवा संगठन ने एक बीड़ा उठाया था, एक फाइनलाइज किया था, जो पर्पस फाइनल किया था वो पर्पस साकार हुआ। आज 5 दिनों का एक कार्निवल जिन्होंने बहुत अच्छा सब लोगों ने साथ दिया, हमारे 16 टीम के जो 16 ऑनर है उसके लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। 16 ऑनर्स, 16 टीमों के सभी खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ हमें साथ और सहकार दिया। हमें यहाँ अच्छा एम्पायरिंग का काम मिला, अच्छा स्कोरिंग का काम किया, अच्छा यूट्यूब का सभी चीजें और खास करके संजय फार्म क्रिकेट ग्राउंड की जो फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, वो सभी जो एक्टिविटी है हमारे ऑफिसर्स है उसके लिए भी एक बार ताली बजना चाहेंगे। और पीछे हमारा जो प्रमुख कैटरर्स और इवेंट है उसके लिए भी हम ताली बजाएंगे, जिसके बिना मेरा भी बोलना अटक जाता था क्योंकि नहीं खाता तो कहा जाता। तो इस प्रकार से पंकित भाई का भी आभार। तो उंडाच पाटीदार युवा संगठन प्रेजेंट्स उंडाच ड्रीमलैंड पाटीदार क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका पर्पस था यहाँ समाज सेवा करना, शिक्षण फंड, मेडिकल फंड, जो सब चीज यहाँ की गई और लोगों ने दिल खोल के साथ और सहकार दिया, उसका जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो हमारे समाज के जो फ्रंट लाइन के मेंबर है, तो खजांची श्री नीलेश भाई, प्रमुख श्री रमेश भाई, चेतन भाई, जीतू भाई, किरण भाई, परेश भाई, तेजस भाई, जो भी फ्रंट लाइन के मेंबर यहाँ उपस्थित है प्लीज आगे आएंगे। और यहाँ जो अमाउंट है 5,67,890 रुपया हैंड ओवर किया जाएगा। आप एक बार रंग देखिए, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 तो वो अमाउंट हमारे उंडाच द्वारा दिया जाएगा। तो प्लीज आगे आइए सर और ये अमाउंट आपको दिया जाएगा।
उंडाच ड्रीमलैंड ग्रुप का बार बार आभार व्यक्त करना चाहेंगे। एक बार तालीबंदी चाहिए जोरदार, बीड़ा उठाया समाज सेवा का और आज साकार हुआ। तो उसके लिए हमारे जो भी स्पॉन्सरों ने दिल खोल के सहकार दिया है उसके लिए फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं टूर्नामेंट के लिए, जिन्होंने साथ और सहकार दिया और उंडाच ड्रीमलैंड का जो सपना था उसे साकार करने के लिए जिन्होंने जतोजहमत जो भी सहकार जितना भी सहकार दिया उसके लिए हमारे पास जिस प्रकार से सूरज के सामने दिया जलाना ऐसी बात होगी। तो फिर से एक बार आभार। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे समाज भवन से जो भी उपस्थित हुए हमारे प्रमुख श्री रमेश भाई, मंत्री श्री चेतन भाई, खजांची नीलेश भाई की ओर से उंडाच ड्रीमलैंड नव युवक ग्रुप जो है उसको यहाँ एक मोमेंटो दे के सम्मानित किया जाएगा। तो मैं सर रिक्वेस्ट प्लीज आप सम्मानित कर सकते हो हमारे उंडाच पाटीदार युवा संगठन जो भी लोग हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया और आज साकार होने जा रहा है। तो उसका श्रेय भी जाएगा स्पॉन्सर बाय एटलांटा परमवीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप दे के रखी थी, जिसका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। जयेश भाई फिलहाल यहाँ उपस्थित नहीं है, यूएसए में है। तो जयेश भाई अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो मिस यू जयेश भाई, आपको हम हर पल याद करेंगे। आप ऐसे मोमेंट के ऊपर यहाँ होते तो और मजा आता, फिर भी आप वहाँ रह के भी अच्छा साथ और सहकार दिया, तो आपका तहे दिल से आभार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रनर्स अप टीम जिसको 51,000 का चेक, 51,000 का चेक और ट्रॉफी देने के लिए मैं इनवाइट करता हूं राकेश भाई और प्रकाश भाई के हस्तक से ट्रॉफी और चेक दिया जाएगा। तो रनर्स अप टीम के कप्तान, मेंटर, ऑनर जो भी है प्लीज आगे आएंगे और अपनी कैश और ट्रॉफी हैंड ओवर करेंगे यहां से राकेश भाई और प्रकाश भाई। जोरदार ताली होनी चाहिए रनर्स अप टीम के लिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा सिंधई सुपर किंग्स। जोरदार ताली बनती है सिंधई सुपर किंग्स के लिए जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और यहां रनर्स अप हुई है। तो वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन सिंधई सुपर किंग्स। अब चैंपियनों का चैंपियन जिसकी बेसब्री से लोगों को इंतजार था, तो मैं आई रिक्वेस्ट प्लीज लीला पोल लायंस के ऑनर रिस्पेक्टेड महेंद्र भाई, टीम के कप्तान प्लीज आगे आएंगे और ट्रॉफी देने के लिए समाज के प्रमुख श्री रमेश भाई, गिरीश भाई और नीलेश भाई के हस्तक से 1,00,000 का चेक और ट्रॉफी दी जाएगी। तो जोरदार ताली होनी चाहिए, वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन लीला पोल लायन। ए लीला पोर के लायंस है और लायंस कभी झुकता नहीं, हर बार जीतता है। अगर जो भी चट्टान के ऊपर बैठ जाए लायंस वो सिंहासन बन जाता है। तो लीला पोर लायंस ने यहां सिंहासन बना दिया है संजय भाम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर चैंपियनों का नाम लिखने के बाद। तो यहां से बहुत ही बेहतरीन चैंपियन ट्रॉफी दी जा रही है हमारे समाज के प्रमुख श्री रमेश भाई, गिरीश भाई और नीलेश भाई के हस्तक से। तो फिर से एक बार सब लोगों ने बहुत तहे दिल से साथ और सहकार दिया। तो मैं कमेंटर राज चौहान, हमारे साथी कमेंटर राजेश आचार्य और निषाद कोरा सर, हमारे अंपायर, हमारे स्कोरर, यूट्यूब ग्राउंडमैन संजय फार्म क्रिकेट ग्राउंड, सबकी ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार। और यहाँ पे जो कमेंटेटर को एप्रिसिएशन तक तौर पे आरसीबी के जो ऑनर है मयंक भाई और मयूर भाई, उनकी ओर से मुझे राज चौहान सर और निषाद कोरा सर एप्रिसिएशन के तौर पे 1,000 रुपये उनकी ओर से मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। थैंक यू सो मच मयंक भाई और मयूर भाई। और प्रसन्न भाई जिनके लिए इनामी राशि रखी गई थी, उनकी वाइफ रिया बहन 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगाए है, तो हैट्रिक सिक्सर के वो 5,100 और उसके अलावा जो एक और सिक्सर लगा था तो वो पैसे यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रसन्न भाई आएंगे,
प्रसन्न भाई आपको वो राशि दी जाएगी, आपकी वाइफ रिया बहन उनके द्वारा या उनके तरफ से आपके लिए उनका प्रेम है। और यहाँ पे हम रमेश भाई वसंत जी पटेल जो वलसाड नवसारी जिला लेवा पाटीदार समाज के प्रमुख है उनकी ओर से हमें एप्रिसिएशन के कौर से जेम्सन मैनेजमेंट जिनकी ओर से हमें एप्रिसिएशन के तौर पे 2000 मिले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, तहे दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो वलसाड नवसारी लेवा पाटीदार समाज के प्रमुख चेयरमैन श्री मिस्टर रमेश भाई वसंत जी पटेल, और वो जो प्रशांत भाई को राशि दी गई है उनमें वो देव उनके लिए भी उसमें जो घोषित किया गया था इनाम वो भी उसमें शामिल किया गया है, तो वो भी बात ध्यान में रखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अब हम पूर्ण विराम, अब इस टूर्नामेंट को पूर्ण होती यहाँ पे करते हैं, घोषित करते हैं। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट ये रहा जो पाटीदार समाज के द्वारा क्रिकेट का आयोजन ये टूर्नामेंट का किया गया और सभी ने अपना जो योगदान दिया, सभी मुख्य मेहमान श्रीओ का हम आभार फिर से व्यक्त करते हैं। और ड्रीमलैंड उंडाच ग्रुप, ड्रीमलैंड पाटीदार युवा संगठन उंडाच, आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। सभी दाता श्रीओ का, सभी ऑनर्स का, और संजय फार्म क्रिकेट ग्राउंड पे ऊपर श्वेतल भाई देसाई, जयेश भाई परमवीर एकेडमी के ऑनर, समाज में उपस्थित सभी लोग, सभी दर्शकों का जिन्होंने भी बेहतरीन प्रयास किया। तो यहां से मैं आभार एक बार फिर से व्यक्त करना चाहूंगा, थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर द स्मूथ एंड सक्सेसफुल कंडक्टिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट, थैंक यू सो मच। तो अब हम यहां से विदा लेते हैं, फिर वापस आपके साथ किसी एक बड़े मोड़ के ऊपर मिलेंगे फिर से, तब तक हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट। नीलेश भाई थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।